सवाल नंबर दे रखा है 19, दी गई संख्या के ज्ञात करना है घनमूल पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा, एक दो और तीन, तीन अंक के जोड़े बनानी है। सबसे पहले हम उत्तर चेक करेंगे कितना है, पांच, पांच किसके पीछे आता है, तो पांच होता है पांच के पीछे, तो एक उत्तर हमारे पास में आ गया पांच। अब दूसरा अंक तो हमारे पास में खाली, अब पहला आठ, आठ किसके पीछे आता है, तो दो के, तो हमारे पास में ये, हमारे पास में उत्तर पहले से ही प्राप्त हो गया कि हमारा उत्तर क्या आएगा। अब वही घनमूल की विधि, आठ छ एक पांच, एक दो पांच, तीन तीन के जोड़े, एक जोड़ा दो जोड़ा, पहली संख्या दो, दो की करनी है क्यूब, तो दो की क्यूब यहां लगाया, दो दो की क्यूब आठ, घटाया जीरो प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, एक एक अंक उतारना है ऊपर से, यहां उतारा छ, यहां पर एक, फिर उतारा पांच, फिर एक, फिर दो, फिर पांच, ये उतारना एक एक अंक। अब दूसरा मान मेरे पास में ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या कहता है, मान तीन इंटू इसका वर्ग दो का वर्ग इंटू, ऐसी संख्या लगाओ कि इससे ज्यादा ना चली जाए मान। देखो दो का वर्ग चार, चार को तीन से गुणा किया बारह, अगर बारह को मैं एक से गुणा करता हूं, तो यहां पे अगर मैं बारह लिखूं एक से गुणा करके बारह, तो बारह माइनस के, तो हमारे पास में उत्तर प्राप्त होगा जो माइनस में प्राप्त होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, किससे गुणा करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे। अगर शून्य से गुणा किया तो सारा ही शून्य प्राप्त हुआ, मान क्या प्राप्त हुआ, इकसठ। अब वही तीन नंबर कंडीशन कहती है कि माइनस तीन इंटू बी का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ, शून्य, शून्य का वर्ग इंटू प्रथम मान दो, सभी को गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, तो सीधा ही घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, शून्य, घटाया तो इकसठ, ये आ गया। अब क्या करना है, बी का वर्ग, तो अंतिम अंक हमारे पास में बी कितना दे रखा है, शून्य, इसका क्या करनी है, क्यूब करनी है, शून्य की क्यूब कितनी होती है, शून्य, तो हमारे पास में संख्या प्राप्त होगी एक छ एक पांच। अब एक उत्तर हमारे पास में पहले से ही प्राप्त था पांच, मैंने यहां लगा दिया पांच। अब क्या करना है, ए का मान तो हो जाएगा बीस और बी का मान हो जाएगा पांच, इस सूत्र में मान रखेंगे पहली संख्या को छोड़ के बाकी तीन में मान रखेंगे, तो क्या कहता है सूत्र, माइनस तीन इंटू बीस का वर्ग इंटू बी का मान हमारे पास में कितना है पांच, तो इसका गुणा मैंने पहले कर रखा, उत्तर आएगा 6000, अगर इनको गुणा करेंगे हल करेंगे तो 6000, घटाया एक पांच एक। अब क्या करना है दूसरा, तो माइनस, ये सब प्रक्रिया घटानी है, तो माइनस तीन इंटू बी का मान हमारे पास में पांच है, तो पांच का वर्ग इंटू बीस, इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा मान 1500, तो घटाया तो हमारे पास में प्राप्त हुआ 125, तो अंतिम संख्या हमारे पास में कितना है पांच, तो पांच की क्यूब 125।